गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 15.1 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से। एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या कहा है, रेफर टू एग्जांपल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इवेंट सम ऑन टू डाइस। जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 to 12, ओके, यानी ये सम है। टू डाइस के जो अपर साइड में जो डिजिट लिखे हुए हैं उनका सम करने पर कितना आता है, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देखिए, 1/36 लिखा है 2 का, 8 का 5/36 एंड 12 का 1/36। सेकेंड दिया हमको, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 to 12, therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with this agreement? Justify your answer. हमारे आंसर को जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं। हमें लिखा है इवेंट सम ऑन टू डाइस प्रोबेबिलिटी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, then 12। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 1/36, 8 में हमें लिखा है 5/36, then 12 में हमें लिखा है 1/36, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डाइस के टोटल इवेंट कितने होते हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे, और उसके बाद में हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें कितने अपॉन में कितना प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, ओके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। चलिए अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 1, 2, 3, 4, 5, then 6। चलिए ये फिनिश हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम जो इवेंट है वो हम लिखेंगे, यहाँ पे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, फिर 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, then 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, then 5/6, and 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, and 6/6। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 1 और 1 का कितना मिलता है, 1 ही मिलता है, देखिए यहाँ पे, ओके। तो मैं इसको इस तरह से बता सकता हूँ, ये देखो 1 है तो वहाँ पे 1/36। अब 2 दिया है हमें तो
यानी थ्री डाइस पे है, टोटल कितना आना चाहिए? थ्री आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, टू वन एंड वन टू, टोटल कितना हुआ? वन एंड टू, तो टू अपॉन 36 लिखते जाइए। फिर टोटल कितना आना चाहिए? फोर आना चाहिए। थ्री वन, टू टू एंड वन थ्री, तीनों का टोटल क्या आ रहा है? फोर आ रहा है। ठीक है, देखिए थ्री वन फोर होता है, टू टू फोर होता है, वन थ्री फोर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री अपॉन 36। वन टू थ्री काउंट कीजिए, क्लियर? आप देखिए वन फोर फाइव, टू थ्री फाइव, थ्री टू फाइव एंड फोर वन फाइव, क्लियर? अब यहाँ पर आ जाएगा वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर अपॉन 36। उसके बाद में फाइव वन सिक्स, फोर टू सिक्स, थ्री थ्री सिक्स, टू फोर सिक्स एंड वन फाइव सिक्स, तो इसके लिए हम करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव अपॉन 36। ओके, अब देखिए सिक्स वन सेवन होता है, फाइव टू सेवन, फोर थ्री सेवन, थ्री फोर सेवन, टू फाइव सेवन एंड वन सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स अपॉन 37। ओके, अब देखिए एट का देखें, सिक्स टू एट, फाइव थ्री एट, फोर फोर एट, थ्री फाइव एट एंड टू सिक्स एट, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ये बहुत ईजी मेथड है, इस तरह से आपको टोटल ईजीली हो जाएगा। देखिए क्लियर, अब आता है नाइन का, सिक्स थ्री, फाइव फोर, फोर फाइव एंड 36, तो वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर अपॉन 36। ओके, टेन का देखें, वन टू एंड थ्री, थ्री अपॉन 36। इलेवन का देखिए, सिक्स फाइव एंड फाइव सिक्स, यहाँ पे आ गया टू अपॉन 36। देन सिक्स सिक्स कितना दिया है? वन टाइम दिया है, तो इसका हम लिखेंगे सिक्स सिक्स, यानी वन अपॉन 36। ठीक है, अब जो स्टूडेंट हमें बोल रहा था कि इन सब की प्रोबेबिलिटी वन अपॉन 11 आनी चाहिए, तो आप देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही है। ओके, किसी की भी वन अपॉन 11 नहीं आ रही है, तो हम उस आंसर से जस्टिफाई नहीं करते हैं। ओके, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें लिखा है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। 23 में, अ गेम कंसिस्ट ऑफ लूजिंग वन रुपी कॉइन थ्री टाइम एंड नॉटिंग इट आउटकम्स इच टाइम, हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहले हम रिजल्ट लिखते हैं थ्री कॉइन्स के, एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, देन टी एच एच टी एच टी 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 एच, देन टी टी टी। ओके, अब हनीफ कब जीतता है? जब सेम रिजल्ट होते हैं। ओके, सेम रिजल्ट होता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, हनीफ विल लूज द गेम। ओके, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स इज एट, देन हमें पूछा गया है हनीफ विल लूज द गेम। अगर हनीफ गेम लूज करता है तो उसकी क्या होगी एंट्री? एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी देन टी टी एच, तो टोटल कितना हुआ? सिक्स हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ऑफ ई फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स देन टोटल आउटकम्स, सिक्स अपॉन एट इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फोर। तो यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
क्वेश्चन नंबर 24 पे हमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 24 पे हमें बोला गया है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। देखिए फिर से हम लिख लेते हैं, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, देन 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, then 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, then 6-6. तो टोटल आउटकम्स हमारे होते हैं 36। ओके अब हमें क्या बोला है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ओके पहले मैं सेकंड करता हूँ, 5 विल कम अप एट द लीस्ट वंस, एक बार कम से कम 5 आना चाहिए। ओके तो यहाँ पे देखिए 5 विल कम अप एट लीस्ट वन। ओके तो देखिए 5 एक बार आना चाहिए, तो इसके देखिए कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 11 होंगे। तो पी ऑफ ई इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ फ्रेंड्स, 11 अपॉन 36। ओके अब हमें सेकंड क्या पूछा हुआ है, नहीं फर्स्ट क्या पूछा हुआ है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ओके 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो यहाँ हो जाएगा नॉट ई, सो 1-P(E), क्योंकि कम से कम एक बार आए वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, अब बोलते हैं एक बार भी नहीं आए तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम जो एक बार कम से कम एक बार आता है ठीक है वो वैल्यू माइनस करते हैं तो हमें बाकी की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो 1-PE कितना दिया हुआ है, 11 अपॉन 36, 36 बन जा 36, 25 अपॉन 36 कितना हुआ फ्रेंड्स, 25 अपॉन 36। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या बोला है कि अगर हम 2 कॉइन्स को एक साथ में थ्रोन करते हैं तो उसमें हमें टोटल 3 पोजीशन मिलती है, कौन सी पोजीशन मिलेगी, HH, HTTH एंड TT। तो उसमें हमें बोला है कि हमें 2 हेड मिले और 2 टेल मिलते हैं, अथवा 1 हेड एंड 1 टेल मिलता है। तो इसमें जो इन सब की इस प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 होगी, 1/3 होगी। तो नहीं ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, बिकॉज अगर हमें दोनों हेड मिलते हैं तो पी ऑफ ई, अगर हमें हेड मिलता है तो हेड लेना है तो कितना होगा, 1/4। अगर हमें हेड एंड टेल मिले इसका अगर हम लेते हैं तो कितना मिलेगा, पी ऑफ ई
2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देन हमें दोनों अगर टेल मिलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 अपॉन 4। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं भी 1 अपॉन 3 तो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए सेकंड हमें क्या बोला गया है, हमें आंसर जस्टिफाई करना है। अगर हम टू डाइस को एक साथ में थ्रोन करते हैं, ओके सॉरी वन डाइस हम थ्रो करते हैं, तो उसमें हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मिलते हैं। अब हमें ये बोला गया है कि उसमें हमें कुछ ऑड नंबर्स मिलेंगे और कुछ इवन नंबर्स मिलेंगे, तो अगर हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो ऑड नंबर्स कौन से हैं हमारे पास में, ऑड नंबर्स हमें दिए हैं 1, 3 एंड 5, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, टोटल 3 है, टोटल 6, 1/3। तो यस, हम इस आंसर के साथ में जाएंगे, ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/2 ही इसका आंसर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट डे हम न्यू चैप्टर के साथ में यहाँ पे आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।